सो यस वी आर इन टू द डिसम्बर मंथ और बहुत सारे स्टूडेंट इस महीने का वेट कर रहे थे क्योंकि अब तक मेरी एक ही एडवाइस थी, सर नीचे बुक्स ओपन और सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करो। तो नवंबर 30 तक काफी स्टूडेंट्स ने सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस किया है और मेजॉरिटी आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। अब सवाल ये है कि सर दिसंबर के महीने में हाउ टू रिवाइज एंड हाउ टू प्रैक्टिस दी पीवाईक्यूज और सर टेस्ट सीरीज कब देना है। देखो टेस्ट सीरीज तो मैंने पहले भी बता दिया था दैट रिगरस टेस्ट सीरीज वुड बी इन जनवरी मंथ बट इन दिसंबर मंथ फोकस रिगरस ऑन रिविजन एंड प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज। वो कैसे करना है तो ये रहा कंप्लीट प्लान, फुल प्रूफ प्लान है। अगर आप ये कर लोगे तो दावे के साथ कहता हूं जैसे मेरे प्रीवियस ईयर के बच्चे टॉपर्स बने आप भी बन सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आज के दिन आपको एप्टीट्यूड रिवाइज करना है, जो आपने कंप्लीट नोट्स बनाए हैं उसको थरूली रिवाइज करना है, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है। और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो एक बार सारा का सारा चैप्टर पढ़ने के बाद खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए, सारे ट्रिक्स होने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट केसेस होने चाहिए। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बट जो जो एक्सपीरियंस आपने लिए है वो सब्जेक्ट से वो उतार देना शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और रिवीजन पहले जब आप उठाओगे आपकी कॉपी या फिर आपके पास पीडीएफ है तो पहले स्टार्ट टू एंड गो थ्रू करना, उसके बाद खुद से पूछो कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो तो फिर बैकवर्ड जाना है, जो वीक था फिर बाद में जो मॉडरेट है और आपको जो इजी लगता है, ऐसे उल्टी डायरेक्शन में जाना है तब आप प्रॉपर रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। अब एक बार डे वन के दिन एप्टीट्यूड खत्म कर लिया तो डे टू में क्या करना है, उसी सब्जेक्ट के सारे पीवाईक्यूज बनाने हैं। अब वो गेट के पीवाईक्यूज, ऑल ब्रांच पीवाईक्यूज, ईएससी के पीवाईक्यूज, जितना हो सके उतना पीवाईक्यू सॉल्व करो। और जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो उसके अंदर भी जो हार्ड है, जिसमें कुछ नया पड़ा है, उसको स्टार मार्क कर लो, उसको गोल करके रखो, उसको कॉपी में उतार दो या एक रजिस्टर बना लो कि वैसे तो मेरे ये कंसेप्ट क्लियर थे बट जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा था तो ये कुछ नई चीज मुझे मिली, वो रजिस्टर में उतार लो एंड दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू मेक श्योर आपको वो कॉम्पिटेटिव एज मिलता है व्हेन यू आर राइटिंग द गेट 2022 एग्जाम, ठीक है। अब डे थ्री के दिन आपको मैथमेटिक्स पूरा रिवाइज करना है, डे फोर के दिन उसके सारे के सारे पीवाईक्यूज बनाने हैं सेम स्टाइल। जब रिवीजन कर रहे हो तो पहले चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री ऐसे जाना है, फिर सेकंड रिवीजन के टाइम जो वीक है उधर से शुरुआत, फिर मॉडरेट, फिर इजी। और जब पीवाईक्यू कर रहे हो तो इजी वाले क्योंकि आपसे वो बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो कठिन है या फिर जो मॉडरेट लेवल के है उसको फिर स्टार मार्क करके रजिस्टर में उतार देना कि इस कंसेप्ट से ये बना था, ठीक है। ऐसे ही आपको जाना है, कब तक आपके पास 10 सब्जेक्ट है तो 10 दिन आप रिवाइज करोगे, 10 दिन आप प्रैक्टिस करोगे, वो भी ऑल्टरनेट डेज रिवीजन एंड प्रैक्टिसिंग दी पीवाईक्यूज। तो 20 दिन आपके खत्म हो जाएंगे रिवीजन एंड पीवाईक्यूज में। अब बचे हुए 11 दिन क्या करें सर जी, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल, क्योंकि अब दिमाग में फॉर्मूलास, कंसेप्ट, सारी चीजें, एक्सपीरियंस, सारी चीजें स्टोर्ड है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया है तो एनवायरमेंट में फिट हो गए हो कि गेट के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आपको फोकस करना है फुल लेंथ टेस्ट पर। यस, आपको इस महीने सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ टेस्ट आपको 2 देने हैं। जब पहला टेस्ट आप दोगे तो आप कापोगे, ऐसा क्यों, क्योंकि मार्क्स जो सपने बनाए थे वैसे नहीं आएंगे और रीजन बीइंग आपकी स्ट्रैटेजी गलत रही होगी। तो सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी पर काम करना है, जैसे आप ईगो में आ जाओगे, कोई क्वेश्चन नहीं बना उसी में रुके रहोगे 5 मिनट 10 मिनट कि अभी बन रहा है, अभी हो जाएगा, इतना समय दिया है, अभी आ ही रहा है, और वो आएगा नहीं बट आपका समय ज्यादा ले लेगा। तो वो स्ट्रैटेजी आपको फिक्स करनी है, टाइम प्रेशर आएगा आपको, आपको रिजल्ट का डर होगा, कंटिन्यूअस फ्लो में 3 से 4 क्वेश्चन नहीं बने तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो उस पर कैसे काम करना है वो प्लान आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी मैं ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में फंस रहा हूं व्हाइल अटेम्प्टिंग दी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता चलेगा कि जब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं तो उधर भी अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं, कभी कंसेप्ट भूल जाता हूं, तो जो कंसेप्ट भूल रहे हो यानी वो चैप्टर आपका वीक था, वो सब्जेक्ट आपका वीक था इसलिए आप भूल रहे हो, तो फिर उसको रिवाइज करना है। थॉट प्रोसेस में कभी गड़बड़ी हो जाती है, यार कंसेप्ट तो पढ़ा है बट ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना पा रहा हूं, शायद मेरा थॉट प्रोसेस सही नहीं है, तो थॉट प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए वापस से लग जाना फिर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। फिर थर्ड है कि यार मेरे थॉट प्रोसेस तो क्लियर है बट वो इंटीग्रेशन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, वो अल्जेब्रिक इक्वेशन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मैंने इतना तो सॉल्व कर दिया बट ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, वो जो कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन है उस पर काम करना पड़ेगा। फिर
कि मुझे पता है लैपलेस का क्वेश्चन है बट मेरे को ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफिकेशन आता ही नहीं, तो इस पर फोकस करना पड़ेगा। और लास्टली आपको सिल मिस्टेक्स अवॉइड करना है, 2 का पावर 4 8 नहीं कहना है, और ये सब होगा। अब सुनने में अटपटा लग रहा है, अरे सर जी ऐसे तो ही ना कोई करता है। हाँ, आप टेस्ट सीरीज दो फिर पता चलेगा, जब वो टिक टिक घड़ी घूमती रहती है ना, तो फिर आपको वो एक एक सेकंड ऐसे अरे यार वेस्ट नहीं होना चाहिए, अरे यार गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये सब आपको पता चलेगा। टेक दी एक्सपीरियंसेस फ्रॉम दी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपके सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो चुके हैं, आपने प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है। तो ये आप जरूर देना, और उसके बाद आपको पता चलेगा मेरे कुछ वीक सब्जेक्ट्स है तो उनको वापस से रिवाइज करो, उनके वापस से पीवाईक्यूज देखो, वापस से एक टेस्ट दे दो सब्जेक्ट वाइज, ताकि ये सब्जेक्ट पर आपको मास्टरी मिल जाए, और उसके बाद आप वापस से एक और फुल टेस्ट सीरीज दे सकते हो और फिर नई गलतियां आइडेंटिफाई कर सकते हो, अब नई गलतियां क्या हो रही है फिर उस पर काम कर सकते हो, ताकि दिसंबर का महीना आपका काफी फ्रूटफुल रहे। आपने सब्जेक्ट्स भी रिवाइज कर लिए, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, आपने एक दो फुल टेस्ट सीरीज भी दे दिए, ताकि जब जनवरी के महीने में जाओ यू आर रेडी विद द एनवायरमेंट एंड यू आर रेडी टू फाइट द गेट 2022 एग्जाम, ठीक है। तो इसी के साथ आपको दिसंबर का महीना प्लान आउट करना है, मुझे लगता है ये वीडियो काफी फ्रूटफुल रहा है आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, हाउ डू यू प्लानिंग दी दिसंबर मंथ, अगर इस हिसाब से जा रहे हो या फिर आपका कुछ अलग थॉट प्रोसेस है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी एपी और मैथ्स में डेली एक एक घंटा करूंगा, कर सकते हो यार, तो फिर इधर को स्किप कर दो, इधर को कोर रख देना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू।